सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो आओ। रो रही है मम्मी, इतनी इमोशनल क्यों है आ रही है? हैं, रो मत। रोया मत करो। किस बात के लिए रोई थी? के लिए मत रो, रोना नहीं हो ठीक है? हाँ, देख के रोना। अरे यार, ये बहुत ही माया को देख लिया ना उसने। बाप रे, काका माया की वजह से। माया को देख के मम्मी पापा की याद आ गई। बेटी उनका एक ही सोचता है, चुप, दूसरे घर जाना रहता है। रो मत महक, तू मेरे छोटी है। चुप हो जा बेटा, बताओ क्या हो गया। चुप हो जा, हम भी तो है साथ में। साथ में परिवार बेटा तो। चुप हो जा, वो तो बेटी है। अभी एक महीने तक जब फिर भी आगे ऐसे हो चली जाएगी तो अभी तो जान होता है। हाँ, बड़ी भी तू ही है, तेरे को जवाबदारी जिम्मेदारी संभालने की होगा। चलो चुप हो जाओ, हिम्मत रखो, अभी ऐसा टूटना थोड़ी है। अभी मम्मी ऐसे ही, मम्मी नहीं है क्या? तो फिर मैं भी तो हूँ, संभालते तो है सब। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। आज तो यार बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कर दिया इतना। मतलब मम्मी आप भी यार। अरे मम्मी आप क्यों रो रही हो यार? मैं देखो मम्मी को रुला दिया तुमने और मेरे को भी रुला दिया तुमने। मम्मी मत रो। मम्मी, अरे यार आप क्यों रो रही हो? क्यों, आपको क्या हुआ? चुप हो जाओ, आपको क्या हुआ? आप क्यों रोने लग गई? मम्मी को रुला दिया क्यों आपको? चलो हाँ ठीक है, वो भी दो दिन से रो रही थी। हाँ चलो चुप हो जाओ तुम, ठीक है? मत रो आप। ये भाई देखो, यहाँ पे ये सामान लेके आए थे, आप खोल रहे हैं इनको, ओपन कर रहे हैं। क्या क्या लेके आए थे? मेकअप का सामान देख रहे हैं। देखो ये है ना, क्या है? क्या है मम्मी? हार है। हार माया तूने पहन के दिखाया नहीं इसको? ये हार है। अच्छा यार, तो यार ये हार लेकर आए। हाँ खोल ना इसको। वाह यार, वाह। देखो मैं टोटल मेकअप की सारी सामान है। सर पे लगाने का सनस्क्रीन जो गर्मी में बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्या हमें ये कपड़े? ये सूट होगा, ये सूट है। माया मेकअप नहीं करती है, सारा मेकअप वो ब्रश पे, ठीक है ना? और इसमें क्या है? पानी है, वो तो पक्की हो गई, तिलक हो गया मतलब। आपको पता? नहीं, मेरे को पता है लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा, हाँ जी, ये भी हो, ये ब्लेंडर है,
मेरे को पता, मैं अपने को नहीं पता। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर, और बुआ और ये सब लोग आ रहे हैं, गोलू काका भी आ रहे हैं, और सभी को थोड़ा सा वो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। हां मोहा ने बोला है 10 मिनट 10 मिनट का बोला है, घर ज्यादा दूर नहीं है, पास में आ रहे हैं अभी, है ना, मतलब 2 मिनट का रास्ता नहीं है। हां चलो चलते हैं, चलो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको आगे। कैसी मिली बस, सेम डिफरेंट थी। अब धीरे वाली साड़ी मिली, चार 20 25 साड़ी एक ही नहीं देखो, सारे सब बैठे हुए हैं, ऐसे मेहमान को हम घर लेकर आए हैं ठंडा पिलाने के लिए। हां और बुआ भी सबके साड़ी मिली हुआ से हां करी थी चार। देखो बुआ बैठे हुए हैं, गोलू काका बैठे हुए हैं इधर, बोलो हेलो हेलो तो कर दो। इधर बुआ बैठे हैं हमारे, इधर निशा दीदी बैठे हुए हैं, ये हमारे काका बैठे हुए हैं। आज आज काफी ज्यादा थक गए होंगे काका। हाँ आज तो ऐसे सोएंगे कि सुबह सीधा सुबह चलेंगे नींद को, सुबह उठे हो गए नहीं। हाँ तो ऐसा है कि रात को 12 बजे भी आओ तो सुबह 7 बजे उठना है। सुबह 7 बजे उठता हूँ, रात को 2 बजे आया था, सुबह 7 बजे उठ गया। हाँ पापा का तो टाइमिंग फिक्स है काका। हाँ सुबह रात को अगर 3 बजे भी आएगी सुबह 7 बजे उठना है तो उठना है। हाँ उनका तो चलता ही रहता है। देखो भाई सबकी बात अलग अलग चल रही है ना। हाँ सब चल रहा है ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, सब बात करते हैं ना, सब प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद। नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। सो गाइस देखा आप लोगों ने किस तरह से सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और भुआ भी आ गए ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि भुआ आते हैं ना तो हमेशा रौनक हो जाती है हमारे घर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी भुआएं तो हम लोगों ने देखी हुई है, कोई मीम्स भी बनते रहते हैं कि भुआ आ गई तो हमारा ऐसा हो गया, लड़ाई होने शुरू हो गई। तो हमारी भुआ तो ऐसी नहीं है भाई, देखो हमारी भुआ तो आती है ना तो सबको खुशी होती है कि भुआ आ गई। मम्मी की और भुआ की तो बहुत ही बढ़ती है भाई, मतलब आप सोच सकते हो कि कभी हम जो लोग जब घर में आए थे तभी भुआ ने कितना अच्छे सपोर्ट करा था हम लोगों को। भुआ का भी बहुत अच्छा रोल रहा, सोन ने भी बहुत मदद करी थी हम लोगों को, और भुआ भी बहुत अच्छे हैं हमारे। मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा हमारा जो पूरा परिवार है इसी तरह से खुशी में रहे और किसी के नज़र ना लगे भाई। यही चाहते हैं हम लोग तो। और लाइट भी चली गई देखो भाई। अभी देखो क्या कर रहे हैं सब लोग, बताता हूँ आपको। काका क्या हो गया, लैपटॉप चली गई यार, फोन चार्ज लगा था, लाइट चली गई। आपकी किस्मत ही अच्छी नहीं है। 3% बैटरी की बची है उसमें, 5 मिनट तो से 2 मिनट रुक जाओ नहीं तो लैपटॉप में लगा दूंगा। ये लो आ गया, चमत्कार हो गया। किस्मत अच्छी है ना मेरे। हां देखो भाई लाइट आ गई। गाइस आज का जो कार्यक्रम था ना, आज का जो फेस्टिवल रहा, तो बहुत अच्छी तरीके से निपटा दिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा। मतलब छोटा कार्यक्रम करा काका ने उनके हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि सब अच्छी तरीके से हो गया। और अभी दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। हाँ वही काका आपके लिए लेके आया हूँ, टेंशन मत लो। चाय चाय का बोलता ही नहीं, पहले दिक्कत है मेरे को गर्मी से। हाँ यार ये पहले थोड़ा सा, हाँ ले आ जूस, चलो आप उधर से मुझे दे दो एक लोटा या फिर क्या देना तुमको, तपेली दे दूँ क्या मेरे को, यार देखो सुननी पड़ती मैं ये वाली दे चलेगी। अरे चलेगी छोटी है, अरे यार अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम आ जाओ। गाइस देख ले मेरे हस्बैंड को। अरे यार मेरी गलती थोड़ी है, मैं किस में छोटी ये दे दो अब मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें ढूल जाएगा शायद, इसलिए नहीं ढूलेगा। वो बड़ा वाला ले लो, मेरे हिसाब से जूस ज्यादा है। देखो एक आइडिया, हां ये लेंगे ना सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। हां देखो काका ने मुर्गी की तो बातें चल रही है भाई, खतरनाक। अब जूस लेकर आए गाइस, हमने फेंट आ जा रहा तो बेहतर रहेगा। सीधी आपने इंग्लिश में बोला था, जिसे ऊपर रखी हो ना उसे उठा के ले आऊं मैं सबके लिए। कैसा अच्छा बना, बहुत अच्छा। वो आ रहा है उसको दे दे, जूस पीएगा तू भैया को, पहले जय श्री राम बोल। हां गुड, जय श्री राम। पहले ही साफ करके लो, ले के लाभ दे दो, ले दो दो पापा लो। आओ काका जूस
कितना यार क्या है मैं तो नहीं दे रहा मजे आ गए उसको हाँ बहुत खुश हो गया वो लिफ्ट लुक का लो ज्यादा हो जाएगा मेरे पापा ऐसे ही लुक के छोटी ले लो तो बस खत्म छोटी छोटी आ जा ले छोटी ये रहा बोला था दे दो अरे पी ले ले अरे हाथ थोड़ा सा दो थोड़ा एक काम करो उसमें से आधा कर दो और उसको दे दो अरे वाह बाय बाय कर ले बाय बाय कर ले जय जय श्री राम जय श्री राम कर ले जय श्री राम ले जय श्री राम हाथ मिला ले चले चला इधर इधर इतनी देर में तो रोना चालू अरे पूरी चप्पल तो निकाल रखी इसको पिलाने पापा के पीने में सब कुछ कर लेगा चले तू रुक में यहीं पे जा रही हूं मैं चलो बाय चलो काका ध्यान से जाना ठीक है ना बाय ये देखो भाई मम्मी ने क्या पहन लिया आज मम्मी का सालों मारी कैसा लगा है क्या था मम्मी को टाइट है निकाल दो शादी के बाद है ना शादी के बाद इसकी शादी के बाद भाई सोहन क्या कहना चाहेगा मम्मी मत पहना यार पहनूंगी देख लेना क्या पहनूंगी वो मना कर रहा है नहीं सब उनके कहने से क्या होए हाँ पहन लो माया।